चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पंचायत चुनाव की। एक बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दें। दरअसल आज प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत मतदान हो रहे हैं। करीबन एक घंटे का समय अभी और बाकी रह गया है आज मतदान पूरा होने को लेकर। जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए दूसरे चरण का मतदान आज जारी है सुबह 7 बजे से। अब 12 तारीख को सरपंच पद और पंच पद को लेकर वोटिंग होगी। और अगर बात करें जिला परिषद और पंचायत समितियों के नतीजों को लेकर तो वो एक साथ आएंगे, यानी प्रथम चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण के 27 तारीख को। वोट फीसदी में कुरुक्षेत्र सबसे आगे है। आज शाम 6 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे। जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए आज मतदान हो रहा है, सदस्यों का चुनाव हो रहा है। ज्यादा बातचीत के लिए सुरेंद्र गौड़ रेवाड़ी से और रोहतक से हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा रुख करते हुए संजय, आपका किस तरह का अब माहौल नजर आ रहा है? करीबन घंटा भर और रह गया है मतदान आज पूरा होने को लेकर। बिल्कुल, देखिए जिसका इंतजार था लोगों को वो घड़ी आज है। और आज सुबह से ही लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा था, क्योंकि सुबह अगर देखी थे हमने आपको दिखाया और जनता को भी, क्योंकि लंबी लंबी लाइनें जो है वो देखने को मिली। आज सुबह से ही इस बूथ की अगर बात करें तो यहाँ पर जो ये बूथ बताया गया है अति संवेदन बूथ है, इस पर देखिए जो है लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली थी। लेकिन अब 5 बज चुके हैं, 5 बजने के बाद जो है इक्का दुक्का ही व्यक्ति यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि पुलिस कर्मियों की अगर भागीदारी की बात करें तो पुलिस कर्मियों की भागीदारी इस जो मतदान है मतदान केंद्र पर बहुत अच्छी रही है, क्योंकि कोई भी जो असामाजिक व्यक्ति यहाँ पर आता है या फिर भीड़ भाड़ यहाँ पर होती है तो उसको कतार में लेकर आते हैं और उसको इस कैंपस के अंदर नहीं बढ़ने दिया गया जाता। ये 5 बूथ है यहाँ पर अक्सर जो है लंबी लंबी कतारें देखने को मिली थी, लेकिन अब जो है पुलिस कर्मियों ने पूरी तरह से सुचारू रूप से यहाँ पर चलाया हुआ है। हालांकि इधर मैं देखूं तो उधर देखिए ये एजेंट यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन उनको कुछ प्रत्याशी भी हैं उनको जो है पुलिसकर्मी बाहर खदेड़ते दिखाई देंगे, क्योंकि उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस कैंपस के दौरान धारा 144 लगी हुई है और यहाँ पर 5 आदमी से ज्यादा जो है इकट्ठे नहीं हो सकते। हालांकि जो मतदान करने के लिए आता है उसके उसके साथ में उसकी जो है आईडी होनी चाहिए और मतदान की पर्ची होनी चाहिए, तभी उसको इसके अंदर जो है केंद्र के अंदर घुसने दिया जाएगा। हालांकि साफ तौर पर जो भी प्रत्याशी या फिर जो मतदान केंद्र के व्यक्ति यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनसे जो है उनकी आइडेंटिटी चेक की जाती है। अभी तक मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो है 5 बज चुके हैं, 58.8% जो है मतदान हो चुका है, लगभग 1 घंटा बाकी है। तो उम्मीद है कि इस दौरान जो लोग बच्चे हैं वो भी यहाँ पर मतदान केंद्र में पहुंचेंगे और अपना मत का प्रयोग करेंगे। हालांकि लोगों की समस्याओं की अगर बात करें संजय, मैं लौटूंगा आपके पास फिर और विस्तार से बात करेंगे किस तरह से मुद्दे रहे, जनता की परेशानियों को लेकर भी खुलकर बात की जाएगी। रेवाड़ी से सुरेंद्र गौड़ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सुरेंद्र, अगर देखा जाए रेवाड़ी को लेकर तो आज का किस तरह से पूरा दिन मतदान रहा है, ज्यादा समय आप बचा नहीं है वोटिंग को लेकर। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब मतदान बंद होने में मात्र 45 से कुछ कम मिनट रह गए हैं। ऐसे में जो है लगातार अगर दिन भर की बात करें तो यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। किसी तरीके की यहाँ कोई अहिंसक किसी तरीके की दुर्घटना सामने नहीं आई। अगर प्रशासनिक अमले की बात करें तो लगातार प्रशासनिक अधिकारी सभी बूथों पर जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। मैं आपको यहाँ भी दिखाना चाहूंगा कि जिस किस तरीके से अभी जो अधिकारी हैं या जो यहाँ जो मतदान करने आए हैं वो अभी भी यहाँ इक्के दुक्के की संख्या में आ रहे हैं। हालांकि ये 2 बूथ हैं यहाँ पर, दोनों बूथ लगातार यहाँ सुबह से लाइन लगी हुई थी, लेकिन अब मात्र जो 45। सुरेंद्र, ऐसा माना जाता है कि जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए जब मतदान होता है तो लोगों में उतना रुझान नजर नहीं आता, लेकिन सरपंच और पंच पद को लेकर वोटिंग ज्यादा होती है, वोट फीसदी भी ज्यादा होता है। क्या यही वजह है अब जिस तरह से तकरीबन 45 से 50 मिनट का समय अभी भी बाकी है और जो बूथ है वो पूरी तरह से खाली फिलहाल नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात कर ले सुबह से ही अगर देखें तो सुबह से जो मतदान है रेवाड़ी की बात करें तो मतदान काफी कम है, 98% के आसपास यहाँ मतदान हुआ है। अगर इसके साथ जो पंचायत के चुनाव होते तो पंचायत के चुनाव माने जा सकता था, आपके यहाँ मतदान जो प्रतिशत है वो काफी बड़ा हुआ होता। लेकिन अगर कहीं ना कहीं ये माना जाता कि जिला परिषद और जो ब्लॉक समिति के जो चुनाव होते हैं उसमें जो है मतदाता इतना जो है वो नहीं ले पाता, इसी यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो मतदान कम रहा है यही एकमात्र कारण माना जा रहा है। जी
बिल्कुल सुरेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। रोहतक से संजय भी लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरह से आपने जिक्र किया मुद्दों को लेकर, तकरीबन 19 महीने की देरी रही, बहरहाल आज मतदान पूरा होने वाला है, 12 तारीख को एक बार फिर से वोट पड़ेंगे सरपंच और पंच को लेकर, चुनाव प्रचार किस तरह का रहा था? जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं वो जनता के बीच पहुंचे, तो क्या कुछ वादे उनकी ओर से किए गए, किस तरह से पूरा अभियान रहा था? देखिए, अक्सर जब भी कोई प्रत्याशी जनता के बीच में जाता है तो बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे करता है कि आपके लिए ये करवाया जाएगा, आपके लिए ये होगा, लेकिन जब बनने के बाद जो है उनके बीच में जो है वो प्रत्याशी दिखाई नहीं देता। तकरीबन जो है वोटर यही कहते नजर आ रहे हैं। और उनकी समस्याओं की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है, एक तो सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है, सफाई की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बनी है, और जल भराव की जो तीन चार समस्याएं हैं उससे ये ग्रामीण जो है तकरीबन यहाँ पर जूझ रहे हैं। उनका यही कहना है कि अब जो पंचायती इलेक्शनों में जिस तरह से देरी हो रही थी, तो उन्हें खासी जो मौसम, जब मौसम आता है बारिश बिल्कुल तब जो है इन चीजों का बिल्कुल संजय निश्चित तौर पर जो विकास कार्य ठप पड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी को बढ़ाने का काम कर रहे थे। आप दोनों ही सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पंचायत चुनाव को लेकर मतदान जारी है, ज्यादा समय आज बचा नहीं है।